साथियों, आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया भारत की बुलंद आवाज को आज पूरी दुनिया सुन रही है। हमारे बढ़ते सामर्थ्य को आज दुनिया पहचान रही है। हमारी प्रतिभा और हमारे आत्मविश्वास को दुनिया भली भांति समझ रही है। अगले 5 वर्षों में भारत का यही गौरवगान, यही कीर्ति, यही यश नए भारत के संकल्प में हमें सबने मिलकर के ढालना है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश के एक छोटे से इलाके को छोड़ दें तो बाकी हिस्से में धमाकों की खबर अतीत हो गई है। पहले आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे पता चले आप हिंदी समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। पहले आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? निर्दोष लोग मरते थे कि नहीं मरते थे? आतंकवादियों का जुल्म चारों तरफ छाया था कि नहीं छाया था? 5 साल हो गए, अब उसको कश्मीर के कोने में दबोच करके रखा है। बाहर निकलने का अगर कोई कोशिश करे तो उसको वहीं जवाब मिल जाता है। अब माताएं, बहनें, व्यापारी, उद्यमी, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, कामगार, हर कोई बिना भय के अपनी जिंदगी के निर्णय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चौकीदार चौकन्ना है। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुष्टीकरण के लिए आतंकियों की जात पात, पंथ मत, संप्रदाय ये अब नहीं देखा जाता है। आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जाता है और सीमा पार जाकर भी आतंकी अड्डों को नष्ट करने का साहस आज भारत दिखाता है। यही नई पहचान नए भारत को ऊर्जा देती है।